नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं 24 स्लॉट का कूलर। 24 स्लॉट के कूलर की वाइंडिंग जो है वो हम कर रहे हैं। तो ये हमारा पुराना कूलर है जो कि एल्युमिनियम में है और हम इसे जो है कॉपर में बना रहे हैं। आप एल्युमिनियम में बनाओ या कॉपर में, मेटल सेम होता है, राउंड सेम होते हैं और गेज भी सेम होता है। तो इसे काटते हैं। अगर आप एल्युमिनियम से एल्युमिनियम में बनाओगे तो एक तरह की गेज होगी और राउंड एक तरह के होंगे, और कॉपर से कॉपर बनाओगे तो भी एक ही मेथड होगा, गेज अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हमने काट दिया है, 24 स्लॉट का है और इसमें पेपर भी लग गया है। तो अब हम इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले आप चाहें तो इसे, ये कितने इंच का है, ये कितने mm का है, तो ये सब नाप सकते हैं। तो इसमें जो है इसकी गोलाई और जो रोटर का साइज है वो नाप के आप किसी डायरी में लिख सकते हैं। उसके बाद जो इसकी कॉइल की नाप लेंगे, हो सके तो आप जो है कूलर की जो कॉइलें बनती हैं वो चार अंदर की, चार सेट रनिंग का और चार सेट स्टार्टिंग का होता है उसमें, और चार कॉइलें बड़ी होती हैं और चार कॉइलें उसमें छोटी होती हैं। तो जो हमारी रनिंग की होती है उसकी कॉइल लंबी होती है, ये हमने बना दी है। तो इसलिए आप जो है पुरानी जो कॉइल है उसमें से एक एक कॉइल निकाल के उसकी नाप ले सकते हैं। हमारी रनिंग की कॉइल बन गई है। तो अब हम जो है अपनी स्टार्टिंग की कॉइल बनाएंगे। थोड़ा सा फर्मे को कम करके हम अपने स्टार्टिंग की कॉइल बना लेंगे। और एक बार अगर आप इसे नाप लेते हैं कॉइल की लंबाई, स्टेटर की मोटाई का, तो ऐसा होता है कोई 2 इंच का होता है, कोई 1 इंच का स्टेटर होता है, यानी कि 20 mm, 22 mm, 25 mm ऐसे होते हैं। तो आप कॉइल को सब कुछ मेथड सेम रहेगा और कॉइल जो है छोटी बड़ी कर सकते हैं, राउंड वगैरह सब सेम रख के कॉइल की लंबाई को घटा बढ़ा सकते हैं, तो उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी जो है स्टार्टिंग की चार कॉइलें बन रही हैं, चार स्टार्टिंग की और चार रनिंग की हमने बना ली हैं ये। और जो इनके राउंड थे वो हमने जो रनिंग की कॉइल बनाई थी जिसे अब हम डाल रहे हैं ये, तो इसके राउंड जो है 30 नंबर से 107 राउंड इसमें थे। 30 नंबर हमारा गेज था और 107 राउंड। और आप इसे 29 नंबर से भी बना सकते हैं। 29 नंबर से अगर आप बनाएंगे तो उसमें कम से कम 97-98 टर्न डालेंगे। तो ये 24 स्लॉट का है, तो हम इसे जो है इसमें 2 खाने छोड़ देंगे हम बीच के, 2 स्लॉट हम खाली छोड़ के अपनी कॉइल को डालेंगे। जैसे हमने एक बार इसमें डाल दी है 2 स्लॉट छोड़ के, अब इसी के ऊपर हम जो है इस कॉइल को दूसरी दफ़ा घुमा देंगे इस तरह से। इसी के ऊपर हमने जो है हमने अपनी रनिंग की कॉइल को इसमें घुमा दिया है 2 बार 2 स्लॉट छोड़ के, और हम लॉक लगा लेंगे। फिर ये 7 नंबर का PVC है, इस तरह से अच्छे से कॉइल को बैठा लेंगे। उसके बाद जो है हम जो अगली राउंड जो हम इसका घुमाएंगे, अगले स्लॉट में घुमाएंगे, और इसमें जो है हम इस कॉइल को 3 बार घुमा देंगे। जैसे एक बार हमने घुमा दिया, अब हम इसे दोबारा घुमा रहे हैं उसके बाद वाले स्लॉट में। ये देखिए, एक ही स्लॉट में हमने जो है इस कॉइल को 3 बार घुमाना है, जैसे हमने इसके ऊपर ये दूसरी दफे घुमा दिया है। और अब हम इसी के ऊपर जो है तीसरी दफा इस कॉइल को घुमा देंगे इस तरह से, यानी कि हमने जो है 2 स्लॉट जो छोड़े थे, 2 स्लॉट छोड़ने के बाद हमने 1 से 4th स्लॉट में 2 बार और 2 से
पांचवें स्लॉट में हमने 3 बार इसे घुमाया था, दो से छठे स्लॉट में। ये देखिए इस तरह से दो स्लॉट छोड़ के उसके बाद हमने इसे 2 बार और उसके बाद वाले स्लॉट में हमने इसे 3 बार घुमाया है। इस तरह से और बीच में 2 स्लॉट हमने खाली छोड़े हैं। इसी तरह से हम जो है अपनी अगली कॉइलें भी डाल देंगे। और जो हम अब हमने जैसे ये दूसरी कॉइल डालनी है तो इसमें हम जो है 4 स्लॉट लेके बीच के 2 स्लॉट हम छोड़ देंगे। छह स्लॉट लेके बीच के 2 स्लॉट हम छोड़ देंगे। ये देखिए ये हमने इसमें डाला बीच के 2 स्लॉट छोड़ के और 2 में हमारी कॉइलें आ जाएंगी। और इसमें जो है हमने 2 बार घुमा दिया उसके बाद हमने 6 स्लॉट लिए और जैसे बीच के 2 स्लॉट छोड़ के 2 इधर और 2 उधर हमने जो है अपनी कॉइल को डालना है। तो पहले में हमने जो है 2 बार डाला और उसके बाद दूसरे वाले में हमने 3 बार इस कॉइल को घुमा दिया। इस तरह से जो है हमारी अगली कॉइल भी डल जाएगी। इसी तरह से हम जो है अपनी सारी कॉइलें डाल लेंगे। इसके बाद जो हम कॉइलें डालेंगे उसमें भी हम 6 स्लॉट लेंगे बीच के 2 स्लॉट छोड़ के 2 इधर और 2 उधर जो है अपनी कॉइलों को डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी जो है ये कॉइलें जो है हम फटाफट डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारी चौथी कॉइल है। अब जो हम इसमें स्टार्टिंग की कॉइल डालेंगे स्टार्टिंग की जो हम कॉइल डालेंगे उसमें जो है ये देखिए ये हो गया है। अब हम इसमें जो स्टार्टिंग की कॉइल डालेंगे उसके लिए हमें जो है उसमें भी हमें हमने जो रनिंग की कॉइल डाली है उसमें पहले में हमने 2 बार डाला था और दूसरे में हमने 3 बार डाला था। तो जिसमें हमने 2 बार डाला था उसमें जो है हम अपनी स्टार्टिंग की कॉइल को 1 बार घुमा देंगे उस एक कॉइल से दूसरी कॉइल के ऊपर। थोड़ा सा इसे दबा देंगे पेचकस से जिससे कि स्पेस बन जाए इस तरह से और बीच में हमारे 2 खाने ये छूट जाएंगे जो 3 3 वाले भरे हुए थे। इस तरह से हम इस कॉइल के ऊपर इस स्टार्टिंग की जो कॉइल हम डाल रहे हैं इसके ऊपर हमने 1 बार इसे घुमा दिया। और अपना लॉक हम इसमें डाल देंगे। बस इसमें 1 ही बार घुमाना है और बाकी जो दूसरा खाली वाला स्लॉट है हमारा इधर से उधर उसमें हम इस स्टार्टिंग की कॉइल को 3 बार घुमा देंगे। इस तरह से हम इसे जो है 3 बार घुमा देंगे।
इसी तरह से हमारी जो है बाकी की कोयलें भी डल जाएंगी। और जो हमारा स्टार्टिंग की कोयल है ये हमने जो है 32 नंबर से बनाई है, और इसमें जो टर्न है वो हमारे जो है 128 टर्न है, 128 राउंड है इसमें। ये देखिए इस तरह से बन गई है ये। इसी तरह से हम अपनी अगली कोयलें भी डाल देंगे, जो हमारा जिसमें दो कोयलें, दो राउंड, दो बार जिसमें हमने घुमाया था, एक बार उसमें इस तरह से, और अगले में हम इसे 3 बार घुमा देंगे। चारों कोयलें इसी तरह से डालेंगे। और जो हम इसमें कनेक्शन करेंगे वो बिल्कुल सिंपल और सादे कनेक्शन करेंगे, जो एक्चुअल कूलर के कनेक्शन होते हैं वो हम इसमें नहीं कर रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल सीधे सादे कनेक्शन करेंगे, बिल्कुल सरल कनेक्शन जिसे हम कहते हैं। पहले बैक साइड से इसमें सिलाई कर लेते हैं। ये पीवीसी हमने डाल दिया है, आप इसमें कॉटन टैप का भी इस्तेमाल कर सकते थे। कॉटन टैप नहीं है तो आप इसमें पीवीसी जो है बीच में लगा सकते हैं, जिससे कि कोयलें आपस में चिपके नहीं। और इसके इंसुलेशन निकाल के, हर कोयल के 2 सिरे हमने निकाले हैं, एक सिरे को आप ए मान लीजिए और दूसरे को आप बी मान लीजिए। और जब आप इसके कनेक्शन करेंगे तो कॉइल का बी सिरा आप लीजिए और अगली कॉइल के बी सिरे से उसे जोड़ दीजिए। इसी तरह से हमारी सीरीज चलेगी, और बी सिरा आपने लिया अगली कॉइल के बी सिरे से, और फिर अगली कॉइल के ए को अगली कॉइल के ए सिरे से, और अगली कॉइल के बी को अगली कॉइल के बी सिरे। इस तरह से आप सिंपल से कनेक्शन कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी। और फिर हमारे पास 4 तारें बचेंगी, उसमें से आप जो रनिंग वाली होगी उसे लाल मान लीजिए, लाल वाली लगा दीजिए 2 तारें, और जो हमारी स्टार्टिंग वाली है उसमें हमने पीली तार लगाई है। और जो हम इसमें करंट देंगे वो रनिंग में देंगे, और उसके बाद इसे अच्छी तरह से सेट करके, जिससे कि रोटर हमारा टकराए ना, सेट कर लीजिए चारों तरफ से, और स्लॉट टकराए ना। इस तरह से चारों तरफ से हमें सेट कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।